हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लग रहा हूँ सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपी से ग्रुप डी एसएससी और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे एक से दो वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम ये वायु प्रदूषण है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2018 में चर्चित हीमा दास का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, हीमा दास ये एथलेटिक्स यानी दौड़ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भीम ऐप यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी का नामांकन किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? तो देखिए, भीम ऐप का नामांकन जो है ये भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में नवजात कन्याओं से संबंधित भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए, भाग्य लक्ष्मी योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो देखिए, नौकरी में समान अवसर का अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी ये राजगृह थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो देखिए हर्यक वंश की स्थापना ये बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 544 ईसा पूर्व में की थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों यानी सी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, सी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा उत्पादक ये केरल राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कैफीन किस में पाया जाता है? तो देखिए, कैफीन ये चाय और कॉफ़ी में, ठीक, चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैथोड किरणें क्या है? तो देखिए, कैथोड किरणें ये इलेक्ट्रॉनों की धारा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 में पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो देखिए, शहद का प्रमुख घटक ये फ्रक्टोज है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, तुरंत शक्ति जो है ये ग्लूकोज प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो देखिए, भारत पर 17 बार ये महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, और पहला आक्रमण 1001 में किया था, ठीक, महमूद गजनी ने ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और पहला आक्रमण 1001 में किया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार ये बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो देखिए केसर का उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, धोने का सोडा रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो देखिए धोने का सोडा ये रासायनिक दृष्टि से सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि एग्जाम पूछा है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3 है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो देखिए अमीर खुसरो ये बलबन के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए शहीद दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, और यदि एग्जाम पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए चार मीनार का निर्माण ये कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का अर्थ क्या है? तो देखिए WWW का अर्थ है ये वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगलों की मातृभाषा कौन सी है? तो देखिए मुगलों की मातृभाषा ये फारसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए लिंगानुपात सबसे कम ये हरियाणा राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो देखिए दूध का सफ़ेद रंग ये कैसिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।